ओके, इट्स 6 o'clock राइट नाउ एंड मेरे को राइड निकलने का है अभी रात के 3 या 4 बजे अर्ली मॉर्निंग. आई हैव टू लर्न. एक्चुअली सीखा तो मैंने है कैसे ड्रोन चलाना. मतलब आई यूज़ टू फ्लाई ड्रोन 1 साल पहले, बट अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है कि कैसे चलाते थे, क्या करते थे. बट अपने लेट्स बिकम प्रो इन फ्लाइंग ड्रोन्स. This is Tum Chava Shaka from Anshi Mumbai and welcome back to Apan Ka YouTube channel. Radical Vishaka, well, thoda hai pehle maine bataya tha that hum log ride pe jaane wale 5000 kilometers, right? Sorry, main bahut short notice pe bata rahi hu, jab tak aap ye vlog dekhogi tab tak main shayad ride pe nikal gayi hogi. So this was the first session, matlab ek battery khatam ho gayi. The first session ho gaya, ye baar maine sikha manually kaise udana hai, kaise line karna hai. Hum log actually dekh rahe the, agar battery agar low ho jati hai to wapas return aata hai ki nahi ghar pe. आ तो जाता है, बट नीचे आने की बदले वो ऊपर चले जाता है, मतलब वो घर चले जाता है, वो घर नहीं आता है ना. सेकेंड बैटरी डालने के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं ये जो ऑटोमेटिक टेक ऑफ का है, अगर वो हम लोग टेक ऑफ करते तो मैन्यू तो ऑटोमेटिक घर आता है कि नहीं. सो वेयर वॉज आई गाय फॉर अ वीक? आई वॉज क्लोज टू द नेचर. दिस वॉज अ वेरी असेंशियल, वॉन्टेड, नीडेड, चाहिए वाला ब्रेक फॉर मी, क्योंकि कंटिन्यूस लास्ट मंथ मैंने बैक टू बैक व्लॉग्स डाले हुए. मतलब आई वर्क लाइक रियली हार्ड टूवर्ड्स यूट्यूब एंड एक से एक कंटेंट आप लोग के लिए, मतलब ऐसे पेश थाली में से परोसा हुआ है मैंने विद डिफरेंट वराइटीज. ऑल्सो एन अपडेट ऑफ द व्लॉग, अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तो आपको अभी तक पता चल गया होगा, बट नहीं करो तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ दैट इन कमिंग व्लॉग्स यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ न्यू शॉट्स. बाय शॉट्स आई मीन 360 डिग्री व्यू शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज आई हैव गॉट माय न्यू कैमरा इंस्टा 360 1 R ट्विन. By the way, time check squad, it's 11 o'clock रात के एंड अपने को अभी निकलने के लिए सिर्फ 5 घंटे है. सो आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग यू गाइस कि ये बार अगर मैं पैकिंग कर रही हूँ तो मैं क्या क्या अपने साथ सामान लेके जा रही हूँ. सो ऑल्सो इफ यू गाइज प्लान टू बाई एनी ऑफ दीज गैजेट्स दैट आई यूज कशिश फोटो विजन जहाँ से हम खरीदते हैं, आप लोग वहीं से खरीद सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने कशिश को न्यू टायर्स बिठाए हुए हैं अपोलो के. अभी टायर्स बिठाने का मतलब इतना मेहनत लगा, मतलब जितनी मज़े मैंने किए ब्रेक लेके यूट्यूब से वापस आकर मैंने ये सारा काम किया हुआ है. बट ऑन दिस 5000 किलोमीटर्स का राइड आई एम नॉट गोइंग टू टेक कशिश, बिकॉज डॉक्टर ने बोला है राइड नहीं करने का, बट अगर करने का है तो ऐसी बाइक पर करने का जो आपको ज़रा सा आराम day and an update on tempra. Tempra is not there with me, we have returned it to Royal Enfield because of some reason, but I am going on Royal Enfield Himalayan. Aapne paas apni phantom hai to phantom mein I'm gonna do this ride, but again Himalayan leke jaane mein ek panga ho jata hai, ye puncture ka sabse bada issue hota hai. Agar aapne mere koi bhi riding vlogs dekhe hoge Himalayan ki to usme pata hoga karke mereko puncture issue maine kitna zyada face kiya. So this time I acted very smart, ye baar maine formula x डाल दिया है टायर में, जो अगर पंचर हो जाता है तो वो गोल घूमते घूमते जेल विल फिल अप द पंचर. ऑल्सो ऐसे बोला जाता है करके एटलीस्ट फॉर 50 to 80 किलोमीटर्स आई कैन राइड स्ट्रेट एंड वहाँ पर पंचर वाला अगर मिल गया तो वी कैन रिपेयर इट. ऑल्सो विद स्पेशल 5000, जैसे मैंने 500 को इतना हाइप किया हुआ वैसे 5000 किलोमीटर्स वाली जो राइड है. सो आई वांट अ न्यू हेलमेट. अब वो इतने सारे गैजेट्स अपने हेलमेट के अंदर लगे रहते हैं ना, तो ऐसे लगता है करके पूरा हेलमेट गैजेट्स ही पैक है एंड देर इज़ नो स्पेस टू ब्रीद. सो ये बार आई डिसाइडेड टू बाय अ न्यू हेलमेट, बट हेलमेट लेने के टाइम पे भी इतना कन्फ्यूजन था, ये हेलमेट लूँ कि वो हेलमेट लूँ. अगर कोई हेलमेट पसंद आ रहा है तो उसमें साइज अवेलेबल नहीं था एंड आई वॉन्ट अ वेरी स्पेसिफिक कलर. सो नॉर्मली आई लाइक वेरी झटाक कलर अपने बाइक पे एंड हेलमेट पे, तो मुझे नियॉन फ्लोरोसेंट ग्रीन वाला चाहिए था. जितने भी ऑप्शन थे मैंने सारे निकाल दिए, बट दिस वेरी स्पेशल हेलमेट had a print of a bulldog.
सो मैंने बोला यार इसमें डॉगी का प्रिंट होते, काम करते अपन यही ले लेते, ऑल्सो इट हैड माई साइज इन दैट, सो आई फाइनलाइज दिस हेलमेट. So another thing that I did for this very special 5000 kilometer wala ride is stickering. If you know me very well, aap logo pata hoga ki I want my name on the bike and on the helmet and on the top box. Matlab mera bus chale to I can place my name everywhere possible. To mujhe stickering matlab mere har helmet mein hota hi hota hai. तो और दिन भी कम थे और एक ही दिन का टाइम था. तो थाने एरिया में बाय द वे जहाँ से मैंने हेलमेट खरीदा वो है बाइकर्स वर्ल्ड व्हिच इज इन थाने. अच्छा खासा डिस्काउंट आपने को मिल गया, प्लस आपने जो है उसका हेलमेट मिल गया. एंड उसके बाजू में एक स्टिकरिंग वाला था वेरी सस्ते में, मेरे को स्टिकरिंग मतलब लैमिनेटेड रोड में वही स्टिकर 500 रुपये का होता है. एंड वहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट प्राइस पूछो तो 200 रुपये में मेरे को हेलमेट का स्टिकर प्लस बाइक पे जो स्टिकर लगाते हैं वो मिल गया, प्लस उसमें डबल शैडो वाला स्टिकर था, मतलब वाइक उसके पीछे से बैकग्राउंड में शैडो दिया था, जिस कॉस्ट में 200 रुपीज़. I saved my 300 rupees over there. इस बीच भूख लगी तो निलेश सर हमारा ध्यान रखते हुए खाने के लिए ही गॉट मी पोहे वाले समोसे. नाउ फॉर पीपल हु नो मी, यू गाइस नो दैट मेरे को पोहे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड ही सॉ माय इंस्टाग्राम स्टोरीज दैट ओके पोहे खाना है करके, एंड उसको पसंद है, तो पता नहीं कहाँ से ही मैनेज टू गेट मी समोसे जिसके अंदर पोहे थे. After coming back home, मतलब थाने से अगेन कुलाबा आने के बाद I was super tired, but दिन कम थे, I had only one day in hand, तो मैंने अपना हेलमेट का सेटअप कर लिया. अब नया हेलमेट लिया तो उसमें इंटरकम लगाना था, तो इंटरकम लगा दिया. देन द सबसे बड़ा पंगा वाला थिंग वॉज टॉप बॉक्स फिट करना. अब जो मेरे पास टॉप बॉक्स है, मतलब जो कशिश का टॉप बॉक्स है उसको फैंटम में डालना था, एंड जो प्लेट है वो दोनों की अलग है बिकॉज दोनों का टॉप बॉक्स अलग था, बट मुझे कशिश वाला टॉप बॉक्स ये था भाई, तो आई हैड टू चेंज द प्लेट. वो प्लेट चेंज करने में हम लोग को ट्राई एरर, सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस अराउंड 6 o'clock एंड 9:30-10 o'clock को वो पूरा चीज़ खत्म हुआ जस्ट टू शिफ्ट द टॉप बॉक्स, बिकॉज उसमें आवाज़ भी आ रही थी. कैमरा के उस पार है मेरा सामान जो मुझे फिट करना है इतनी सी बैग में. If you have a pet, आप लोग समझ सकते हो मतलब पैकिंग कितना डिफिकल्ट हो जाता है. बिकॉज शैडो मस्त आराम से मेरे कपड़ों पे ही जाके बैठा हुआ है. ओके सो नाउ इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग राइड, आई थिंक दिस वीडियो वुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी थिंग जिसे मैं पैक करने वाली हूँ. आई हैव डन दैट बिफोर ऑल्सो, बट दिस राइड इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट, फर्स्टली इट्स अ 5000 किलोमीटर राइड, सेकेंडली वहाँ का क्लाइमेट इज सो अनप्रिडिक्टेबल, मतलब आज अगर ये न्यूज़ मिल रही है तो कल वो मिल रही है. तो वहाँ पर देर इज वेरी ज़्यादा धूप, देर इज़ वेरी ज़्यादा कोल्ड, देर इज स्नोफॉल ऑल्सो, एंड इट इज रेनिंग ऑल्सो, मतलब इमेजिन एवरी थिंग टूगेदर. तो उस हिसाब से बाय द वे अगर आप गेस कर सकते हो मैं कहाँ जा रही थी, यू गाइस कैन कमेंट डाउन बिलो एंड गेस द प्लेस, गेस द स्टेट वेयर आई विल बी राइडिंग. आई हैव डिवाइडेड माई क्लोथ इन टू सेक्शंस. मैं कह रही हूँ यहाँ से ट्रैक पैंट्स, ट्रैक पैंट्स के साथ जो टी शर्ट्स होने वाले ये है, मतलब ये घर एंड बाहर के कपड़े दोनों मिक्स किए हुए हैं मैंने. एंड मैंने दो शॉर्ट्स कैरी किया इफ इन केस बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये आई कैन वेयर. अब ये वाले इसमें है राइड करने के टाइम पे दो चीज़ होने वाली, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली, एक तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली. तो यहाँ से कुछ रास्ते तक मुझे मतलब जो फटे गर्मी लगने वाली ना उसके लिए मैंने जो इनर और जैकेट के अंदर जो इनर्स पहनते हैं फुल स्लीव्स वाले यूवी प्रोटेक्शन के मैंने लिए हुए, दैट इज़ सो एवरीथिंग दैट यू सी हियर इज़ फ्रॉम डेकेथलॉन. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग, बट इफ़ यू आर इनटू एनी स्पोर्ट्स स्पेशली इफ़ यू आर अ बाइकर, आई प्रेफर डेकेथलॉन बिकॉज वहाँ पर सब कुछ मिलता है. सो आई गॉट दिस यूवी प्रोटेक्टर फुल स्लीव्स पैंट एंड फुल स्लीव्स टी शर्ट जो मैं जैकेट के अंदर पहन सकती हूँ. सो यहाँ पर पैंट है, ये टी शर्ट है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, अगर बहुत ज़्यादा ठंड होता है एंड स्टिल आई हैव टू वेयर समथिंग इनसाइड माय राइडिंग सूट, ये पैंट है, ये वाला है, दिस इज थर्मल, ये दिस गोज अप टू -5 का टेम्परेचर चले जाता है, मतलब 0 to -5 का मैंने लिया हुआ है. कमिंग बैक टू दिस सेक्शन, यहाँ पर मैंने दो डेनिम कैरी किए, एक ब्लैक एंड वाइट एंड एक पैंट्स कैरी किया, बिकॉज हमेशा क्या हो जाता है ना जब भी मैं राइड जाती हूँ मतलब नॉर्मली जैकेट में ही अपने फोटोज आते हैं एंड एवरीथिंग इज सो ब्लैक ब्लैक, इसलिए मैंने सोचा एटलीस्ट लेट्स कैरी वन कलर पैंट्स दैट आई कैन वेयर. साइड जो है नीचे एक बॉम्बर जैकेट है, वो अगेन इस फ्रॉम डेकेथलॉन, एक स्टाइल वाला जैकेट है और एक बहुत गर्म रखने वाला जैकेट है. आप कैरी 3 जैकेट, मुझे रिस्क नहीं लेना बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी बड़ा वाला राइड. ये वाले सेक्शन में मैंने टी शर्ट्स कैरी करे हुए हैं, देर आर अराउंड 7 टी शर्ट्स जो नॉर्मली अगर मैं उतरती हूँ या बाइक के थर्मल के ऊपर भी अगर टी शर्ट पहनना पड़े लाइक वन मोर लेयर एड करना तो आई कैन वेयर दीज टी शर्ट्स. मोस्टली सब ब्लैक ही है, कैन नॉट हेल्प इट.
दिस सेक्शन दीज आर माई अंडरगार्मेंट्स दैट आई हैव कैरीड. अगेन बहुत सारी कैरी किए बिकॉज धोने का सुखाने का मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए. जब भी चांस मिलेगा आई कैन. सो दिस इज हेड गियर हेड बंडाना. ये वाला मास्क मैंने कैरी किया हुआ है. ये कुछ नया मेरे को दिखा डिकैथलॉन में तो वो कैरी कर लिया है. सो दिस इज अ वेरी असेंशियल थिंग दैट यू गेट अगेन फ्रॉम डिकैथलॉन. ये छोटे छोटे नैपकिन से जल्दी सूख जाते हैं ये वाली चीज़, एंड पोछने के लिए काफ़ी आसान है. दिस टाइम आई एम कैरिंग 4 पेयर ऑफ सॉक्स. अगेन एवरीथिंग दैट यू सी इज फ्रॉम डिकैथलॉन. मैं बोल रही हूँ स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मतलब आई एम सो इन लव विथ दैट स्टोर. माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने कैरी किया बिकॉज नया हेलमेट है तो उसको पोछने के लिए ये वाला क्लॉथ है. दीज आर अगेन 3 balaclavas, वेरी सॉफ्ट. एंड दिस टाइम कुछ नया आइटम अपन कैरी करें. एक्चुअली नया नहीं है बट नॉर्मली आई डोंट शो दैट इन द ब्लॉग. नहीं, जब हम होटल में जाते हैं तो मतलब अपना खुद का बेड नहीं होता है, वो मतलब दूसरा होटल का बेड होता है, तो उसमें सोने का मेरे को थोड़ा सा यू वाली फीलिंग आती है. एंड दूसरी की चादर आई कैन नॉट यूज़, तो नॉर्मली मैं अपनी चादर कैरी करती थी, बट वो सोलापुर वाली ऐसी बड़ी वाली चादर होती है ना, वो विच इज़ वेरी हैवी, वो कैरी करती थी. बट दिस टाइम आई गॉट टू नो दैट डिकैथलॉन में यू गेट ब्लैंकेट्स ऑल्सो. तो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 699, मतलब 700 रुपये का ब्लैंकेट है, विच इज़ वेरी गुड. आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा. अगर आपको हाइजीन लेवल बहुत ज़्यादा पसंद है एंड पर्सनलाइज थिंग है, प्लस देर इज कोरोना वायरस एवरीवेयर, सो आई प्रीफर कैरिंग माई ओन ब्लैंकेट. स्वेट बैंड, छोटी छोटी चीज़ें मैंने लिया है. जैसे आई हैव माई हेयर बैंड, कैरी किया है रेन कोट बिकॉज इट इज गोइंग टू रेन, चेन लूप, चेन क्लीन एंड WD-40 मैंने कैरी किया है. प्लस दिस इज हेलमेट क्लीनर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पेशली वन यू गो ऑन अ राइड जहाँ पर क्लाइमेट अनप्रिडिक्टेबल है, वाई यू स्वेट ऑल और जहाँ पर हेलमेट से बास नहीं माना चाहिए, इसलिए ये वाला मैंने कैरी किया है. अगर आप लोग सर्च करोगे तो हेलमेट क्लीन इंटीरियर क्लीनर एनी ब्रांड यू गेट इट, बस ये कैरी कर लो एंड टाइम टू टाइम अपना हेलमेट क्लीन करो. पाउडर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसके बगैर आई कैन नॉट वेयर माई क्लोज आफ्टर बाथ. पाउडर मैंने कैरी किया है. दिस इज़ माई मेकअप किट, इतना ज़्यादा नहीं कैरी करने वाली हूँ बिकॉज ऑन बाइक राइड मेकअप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. अगर करूँगी भी तो मेरा 12 kilometers में लग जाता है, सो आई एम गोना अवॉइड. एक्चुअली मैं खाली बोल रही हूँ बट आई विल डू मेकअप और इतना ज़्यादा नहीं कैरी करने वाला हूँ. दिस आर माई टॉयलेट ट्रीज, इसके अंदर शैम्पू कंडीशनर, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बॉडी वॉश कैरी किया बिकॉज सोप कैरी करते तो पूरा गीला हो जाता है, फिर उसको प्लास्टिक में डालो और वो पूरा मेस हो जाता है. इसीलिए इफ़ यू गो फॉर अ राइड ऑलवेज कैरी अ बॉडी शॉर. वेट टिश्यू पेपर, दिस इज लाइक अ सेवियर. इसको तुम हेलमेट क्लीन कर सकते हो, इसको अपने आप क्लीन कर सकते हो. अगर आप सैनिटाइज करते हो उसके बाद भी आपको हाथ पोछना हो जाएगा, दिस इज देयर, ग्रीस लग जाता है, ऑयल लग जाता है, तो वेट टिश्यू का भंडार मैंने कैरी किया हुआ है. दीज आर माई मेडिसिन, ये तो सेवियर है. मतलब अगर राइड पे जाना है और ये चीज़ मैंने नहीं कैरी किया, ये चीज़ मैंने नहीं लिया था, आई थिंक आधी राइड से आप लोगों को रिटर्न आना पड़ेगा. सो दिस इज देयर. देन अ वेरी शैडो ब्लो ड्राई, शुभम से मैंने सीखा क्योंकि ब्लो ड्राई कैरी करने का, बिकॉज जो केरला वाले राइड गए थे उसमें से हम लोगों ने हमारा सॉक्स अंडरगार्मेंट्स शूज कपड़े ऐसे पूरे फैला दिए थे एंड इट टुक लाइक अ डे वो सब सूखने के लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश थी. एंड अपने को एक रात का ही टाइम मिलता है एक होटल में रुकने के लिए, तो इससे आप सब कुछ सुखा सकते हो. सो ये मैंने कैरी किया हुआ है. वॉलमी अगेन फॉर माई रिस्ट, पानी का बॉटल, फिल योर बॉटल्स, डू नॉट बाय अ वाटर, आई थिंक कीप रीफिलिंग देम. शूज़ का कवर है जो मैं राइडिंग बूट्स पहनने वाली हूँ. अगर कोई वाटर क्रॉसिंग आ जाता है या बारिश हो जाता है तो नॉर्मली शूज़ तुम्हारे गीले रहते हैं एंड वो गीले शूज़ में चलाना एक हद फ्यू किलोमीटर्स यू कैन राइड बट यू कैन नॉट राइड मोर किलोमीटर्स क्योंकि हमारे पैर में रिंकल आ जाती है प्लस पैरों से ठंड चढ़ती है पूरे बॉडी में. सो टू अवॉइड दैट ये मैंने कैरी किया है. एंड अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आई ऑल्सो हैव मेरे 2 साल पुराने वॉर्मीज जो है वो अभी भी पड़े थे मैंने, तो मैं ये कैरी किया. डिस इन्फेक्टेंट स्प्रे बेड पे बिफोर स्लीपिंग आई कैन स्प्रे, वॉशरूम में जाने के मतलब जो कमोड होता है अगर इट्स वेस्टर्न यू कैन स्प्रे दिस. हाइजीन लेवल इज अ मस्ट एंड दिस टाइम आई एम कैरिंग लाइक 2-3 सैनिटाइजर की बॉटल्स कैरी कर रही हूँ. वन इज जोमॉन दैट आई हैव कैरीड, फिर अडाप्टर गोप्रो का हमारे दिस इज नाउ माय थर्ड आई थिंक 4th अडाप्टर, खराब होते जाते हैं पता नहीं, बट इसके अलावा यू कैन नॉट मोटो ब्लॉग. प्लस एक बैकअप माइक कैरी किया इफ़ इन केस ये वाला माइक प्रॉब्लम देता है तो आई हैव अ बैकअप माइक. मतलब ये बार मैं फुल प्लानिंग के साथ चल रही हूँ. Insta360 ऐड किया तो उसका इनविजिबल स्टिक मैंने ले लिया है. अगर ये वाला अडाप्टर प्रॉब्लम देता है तो बस Insta360 का भी अडाप्टर है, सो आई होपफुली प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए. आवाज़ काफ़ी सारे एक्स्ट्रा माउंट्स मैंने कैरी किए हुए हैं. राइज में मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेस किया हुआ है क्योंकि चीज़ें खराब हो जाती है एंड देन यू हैव टू बाय इमीडिएटली एंड वहाँ पर चीज़ें मिलती नहीं. कभी कभार तुम्हारा बजट का इशू रहता है, कभी कभार वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं होते, तो इस बेटर सब अपन डबल डबल कैरी कर रहे हैं ये बार.
स्टिल आई एम गोइंग टू क्रॉस चेक द लिस्ट के इसके अलावा मैं कुछ भूल रही हूँ कि नहीं. पर लास्ट थिंग दैट वाज रिमेनिंग इज अपना जो नया वाला हेलमेट है, ये वाला हेलमेट. इसको मैंने अभी तक सिर्फ MC लगा के इसको सेट कर लिया है, कुछ माउंट्स यहाँ पर लगा दी है, बट मैंने इसका मोटो ब्लॉगिंग वाला सेटअप है इसके अंदर का किया नहीं है. मतलब हाँ, इंटरकॉम इज फिटेड, बट अभी मुझे कैमरा लगाना है प्लस माइक इसके अंदर अटैच करना है एंड बहुत सही से करना है, बिकॉज आपने मैंने सामान किस तरीके से क्या पैक किया है दैट आई विल शो यू इन अदर ब्लॉग. ऑल्सो सैडलिंग आपका जो भी वो आपको इसके नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिला है. तो आज के लिए गाइज इतना ही. एज ऑलवेज दिस इज राइगल विशाखा साइनिंग अप, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. आई एम गोना सी यू वेट इन अदर ब्लॉग एंड यू नो नाउ दीज व्लॉग्स आर गोइंग टू बी डेम क्रेजी, लाइक ऑफिशियली तोड़ फोड़ व्लॉग्स. अगर आपको ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट, या तो आपको कुछ ऐड करना है जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे एंड बाकी लोग को फायदेमंद रहे. तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब इफ यू हैवन सब्सक्राइब एंड शेयर इट अक्रॉस एंड कीप काम एंड गिव अ टॉक मोर पार्ट.